आवाज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली यूट्यूब चैनल की वीडियो क्लास में मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सबको पता है जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसी के अंदर एक भाग है भारतीय कला एवं संस्कृति। अब दोस्तों ये इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा, इतिहास में क्या चीज़ पढ़ी होगी दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा मौर्यकालीन स्तूप है, गुफाएं, मंदिर, मतलब इतिहास से संबंधित ही विषय है। लेकिन दोस्तों ये विषय काफ़ी महत्व का विषय होने के कारण अब क्या है, हम भारतीय कला और संस्कृति को अलग से पढ़ते हैं। अब दोस्तों जो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी यूट्यूब पे क्या है वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए दोस्तों क्या महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है कि दोस्तों आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने एग्ज़ाम में जो सिलेबस में टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग समझना है और समझने के साथ साथ क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है। अगर आप मान लेता हूँ किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी दोस्तों आपके लिए कला और संस्कृति काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ठीक है एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी मान लो आपने वीडियो देखने का मन बनाया है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है आप तैयारी नहीं करते लेकिन क्या आप किसी कला से अपरिचित है? आपको नाचना शायद हो सकता है सबको आए न आए, लेकिन दोस्तों आप सब ने देखा होगा जब शादी समारोह वगैरह होते हैं तो उसमें क्या है कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां होते हैं जिनको क्या है दोस्तों डांस या फिर उनकी नाचने में जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो उनके अंदर एक कला है, तो नाचने की कला है उसको क्या कहते हैं हम, नृत्य कला कहते हैं। किसी किसी की संगीत में रुचि होगी, कोई भजन गा रहा होगा, कोई गीत संगीत में मगन होगा, तो दोस्तों आप खुद को थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए समझिए कि क्या ये संगीत कला का एक भाग नहीं है, स्थापत्य कला। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है किसी ने बनाया होगा ये भी एक कला है, ये पेन है किसी ने बनाया है ये भी एक कला है, ये जो भवन बना है दोस्तों जो भी आप जिस भी घर में रह रहे हो उसको बनाया है वो भी एक कला है। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए ये जो आज का टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मान लेता हूँ ठीक है आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी दोस्तों आप जब भी अपना घर बनाते हैं तो दोस्तों उस घर में क्या करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं ये अग्निकोण है, ये पानी की है, ये वो दिशा है, ये वो है, मतलब ये इस तरह की प्लानिंग आप बनाते हो तो वो क्या है, कला नहीं है क्या एक? तो वही बात है दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कलाएं छुपी हुई है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर जो भी अपने विचार है अपने भाव है उनको प्रकट करता है किसी भी माध्यम से। जैसे मान लो दोस्तों किसी को गीत गाना भजन गाना बहुत अच्छे से आता है तो वो उसके अंदर क्या है कला है, एक संगीत कला है, वो उसको उस रूप में व्यक्त कर रहा है आप सबके सामने। और कुछ ऐसे हैं जिनको नृत्य बहुत अच्छा आता है तो वो क्या करते हैं अपनी नृत्य कला के माध्यम से आपके सामने पेश करते हैं या प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्या ये कला हमने अभी जब जब पढ़ना शुरू किया तब से सीखी है या फिर पहले से ही मौजूद थी हमारे अंदर? दोस्तों आपने देखा होगा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, उस समय का मनुष्य बोलते हैं पढ़ना नहीं जानता था, सभ्य नहीं था, स्कूल नहीं जा रहा था, कॉलेज नहीं जा रहा था, उस समय यूट्यूब का ज़माना नहीं था, लेकिन दोस्तों क्या उनको चित्र बनाना यानी चित्रकला में क्या वो महारत हासिल नहीं कर रखी थी? अब दोस्तों आप अगर भीमबेटका में देखेंगे तो जो गुफाएँ हैं वही उनका घर था,
और वहां पर उन्होंने इस तरह की पेंटिंग बनाई दोस्तों, जो आज भी बनी हुई है। उसके बाद में दोस्तों जैसे जैसे मनुष्य सभ्य बनता गया, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, उसके बाद क्या हुआ, उसने भी बहुत कोशिश की उसी प्रकार की पेंटिंग बनाने की, और बनाते भी हैं, उससे अच्छी अच्छी बना देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कितने साल हो गए, वो पेंटिंग वैसी की वैसी है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, चाहे कितना भी महंगे से महंगा पेंट लेकर आ जाओ, होता क्या दोस्तों, कुछ समय के बाद में उसका रंग फीका पड़ना शुरू हो जाता है। और अगर उस तरह से दोस्तों जैसे वो बाहर खुले प्रकृति उसकी रक्षा कर रही है, उस प्रकार से अगर दोस्तों बाहर ओपन में अगर हो गए, तो आपको पता है दोस्तों कितना भी महंगा कलर हो, लगभग कुछ समय बाद में क्या है दोस्तों, उसका रंग फीका पड़ जाता है, उसका कलर फीका पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों क्या उन्होंने ऐसा किया था कि उन जो भीमबेटका की गुफाओं में जो उन्होंने पेंटिंग बनाई, वो आज तक दोस्तों क्या है, उनका पेंट वैसे का वैसा ही है। और आपको अगर कभी भीमबेटका में जाने का मौका मिले, तो वहां पर दोस्तों जब जाएंगे, या फिर भीमबेटका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी दी है, तो आप उस वीडियो से भी प्राप्त कर चुके होंगे। तो अब दोस्तों यहां पर हम देखेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित है। अब दोस्तों आप सबको पता है कि नैतिकता का पाठ आज हमें पढ़ाया जा रहा है। क्या हमारी नैतिकता खत्म हो गई है? ये खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, इसके साथ में कुछ बुरा हुआ है। क्यों हुआ है बुरा, वो मैं बता देता हूँ दोस्तों। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया, उसने क्या किया, अपनी जो नैतिकता थी, अपने जो कर्तव्य थे, उनको छोड़ते हुए क्या है दोस्तों, कुछ अलग टाइप से चलना शुरू किया। फिर वही नीति आ गई, हम दो हमारे दो, यानी दोस्तों अपने घर वालों से, अपने माता पिता से क्या है, फिर अलग रहना, और फिर क्या है, धीरे धीरे अपना छोटा परिवार, फिर मतलब इस टाइप की सोच हो गई मनुष्य की। और जैसे जैसे मनुष्य क्या हुआ दोस्तों, भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, एक ऐसी दौड़ में निकल गया जिससे क्या है, उसने अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, सबको भूल गया। और उसी भूल के कारण दोस्तों उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी गलती की। और जो माता पिता ने दोस्तों जिन्होंने जन्म दिया था, उनको कहाँ पर छोड़ के आ गया, वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गया। क्या दोस्तों, वो अगर आप छोड़ के आ रहे हो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में, तो क्या आपके लिए कोई दूसरी जगह होगी? अगर होगी तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके लिए कौन सी जगह होगी। तो ये दोस्तों नैतिकता से संबंधित है। तो अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं उस मुद्दे पर जो कि हमारे लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे किसको, भारतीय कला एवं संस्कृति को, और इसी के अंदर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कला और संस्कृति को। अब दोस्तों कला और संस्कृति में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम लेंगे भारतीय संस्कृति का परिचय। अब दोस्तों परिचय होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों आप किसी भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, तो उस स्कूल का जो सिस्टम है उसके बारे में आपको पता रहता है, और उसके बाद आपको क्या रहता है, पता ये भी रहता है कि इस सब्जेक्ट का टीचर कौन सा है, उसका परिचय आपको होता है। साथ ही आपको ये भी पता होता है कि ये जो गुरुजी हमें पढ़ाते हैं, इनकी शैली कैसी है, किस प्रकार से ये समझाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब क्या है दोस्तों आपको पता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उनका परिचय पता है। तो इसलिए दोस्तों हमें भी क्या करना चाहिए, हमारा जो भारतीय कला और संस्कृति है, इस कला और संस्कृति का सबसे पहले हमें क्या लेना चाहिए,
परिचय लेना चाहिए। तो परिचय भी दोस्तों लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे स्थापत्य और वास्तुकला, इससे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। ये जो सीरीज चलेगी इसी सीरीज के माध्यम से, उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे इतिहास का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है, किसके अंदर, कला और संस्कृति में। अब दोस्तों इतिहास, कला और संस्कृति को आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, मैं बताता हूं दोस्तों आपको। जैसे मान लीजिए आप यहां पर देखेंगे प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का परिचय, मौर्यकालीन स्तूप, गुफाएं और मंदिर, मध्यकालीन स्थापत्य कला और मुगलकालीन स्थापत्य कला, आधुनिक स्थापत्य कला। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि जो इतिहास में यानी समय के साथ साथ जो परिवर्तन हुआ उन्हीं कलाओं में क्या है दोस्तों, अब हम अलग तरह से पढ़ें या चाहे इतिहास के साथ पढ़ें, लेकिन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। अब दोस्तों जैसे मान लो इतिहास के साथ आपने पढ़ लिया, तो क्या आप इकोनॉमिक्स को साइड में कर सकते हैं? कुछ समय के लिए सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप साइड नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, विस्तार से आप लिख सकते हैं। आपके कमेंट का स्वागत है, वेलकम है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इन टॉपिक से संबंधित मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों जब हम पढ़ रहे हैं क्या, कला और संस्कृति, तो इसी के अंदर हमको क्या है, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, भीमबेटका गुफाएं पढ़ रहे हैं हम, तो क्या है वो इतिहास का भाग नहीं है? इतिहास का भाग भी है, साथ में किस चीज का है, वो है दोस्तों चित्रकला, वो भी कला है। प्राचीन भारत का जो स्थापत्य कला है तो वो क्या है, प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ रहे हैं, और उस समय की जो कला थी, उस समय की जो सभ्यता थी, उस समय की जो संस्कृति थी उसको पढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों उस समय हमने क्या पढ़ा, मौर्यकालीन स्तूप जो बने उनको, गुफाओं को, मंदिरों को, उन सब को पढ़ते हैं। तो ये दोस्तों इतिहास का ही भाग है। इतिहास के साथ साथ दोस्तों क्या है, कला और संस्कृति का विकास हुआ। जैसे जैसे कला और संस्कृति का विकास हुआ, इतिहास का पहिया जब घूमता है तो दोस्तों उसके साथ कला और संस्कृति का, राजनीति विज्ञान का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स का, ये सब एक साथ घूमते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, सबसे पहले दोस्तों मान लीजिए ये क्या है, इतिहास। अब दोस्तों आप बताइए जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इस इतिहास के साथ में क्या बढ़ेगा, उस समय के व्यक्ति। हाँ ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है तो इसका मतलब उनमें हो सकता है उस समय राजनीति की ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, अर्थशास्त्र का नॉलेज नहीं होगा, ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं होगा, लेकिन इतिहास में दोस्तों क्या है, इतिहास तो वो चीजें पढ़ते हैं जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति होने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, मनुष्य ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। पहले खुले आसमान के नीचे रहते थे, फिर गुफाओं में रहना शुरू किया। जैसे ही गुफाओं में रहते रहते उनके दिमाग में आई कि यहाँ पर क्या किया जाए, जैसे मान लो शिकार करके आते थे तो उसी शिकार करने वाले जो पशु है उसकी छायाचित्र उन्होंने देखा और भीमबेटका की गुफाओं में बना दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा आपका कला का, यानी कला और संस्कृति का, संगीत का, वो ये भाग हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब दोस्तों किसका भाग आएगा, ये आएगा आपका जियोग्राफी का। अब आप कहेंगे कि इसके बाद जियोग्राफी ही क्यों आया, तो जियोग्राफी इसलिए आया दोस्तों कि मनुष्य जैसे जैसे सभ्य होने लगा तो उसने क्या किया, खेती करना प्रारंभ किया। सबसे पहले खेती करना, आपने इतिहास के अगर वीडियो मेरे देखे हैं तो उन्होंने उन वीडियो के द्वारा आपने समझा होगा कि मनुष्य ने सबसे पहले खेती करना प्रारंभ किया, पशु पालना शुरू किया। इन सब के साथ पशु पालेगा तो उसको क्या चाहिएगी, भूमि चाहिए।
अब दोस्तों भूमि चाहिए तो आप सबको पता होना चाहिए कि उस भूमि से ही क्या जुड़ा है, भूगोल जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों भूमि में भी क्या हुआ, जहाँ पर नदी थी, जहाँ पर भूमि ज़्यादा उपजाऊ थी, वहाँ पर क्या है, मनुष्य ने अपना स्थायी घर बनाना शुरू कर दिया। और जितने भी इतिहास में युद्ध हुए हैं वो सब किस लिए हुए हैं, उस उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने के लिए। अब दोस्तों ये तो हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि उस भूमि पर क्या होगा, दोस्तों कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके अंदर आएगा लालच। लालच आएगा तो वो बोलेगा ठीक है ये ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है तो इसको मैं ले लेता हूँ। और उस समय दोस्तों आपको पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो क्या करते थे उस ज़मीन पर अपना आक्रमण करके या कैसे करके कब्जा कर लेते थे। उपजाऊ भूमि होती थी, पानी की खूब सुविधा, जैसे मान लो दोस्तों एक खेत यहाँ पर है जिसके पास से नदी बह रही है और एक खेत यहाँ पर है जिसके पास में कोई नदी नहीं बह रही है, तो व्यक्ति क्या करेगा अपनी सुविधा के लिए उस नदी के पास में अपना खेत बनाना चाहेगा, क्योंकि उसको पानी के लिए कहीं दूर जाना नहीं होगा। जब खेती करेगा तो उस खेती के अंदर सिंचाई करने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था होगी यहाँ पर। इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, ज्योग्राफी जरूरी हो गया। अब ज्योग्राफी जरूरी हुआ तो दोस्तों हुआ क्या, मनुष्य ने बोला कि ठीक है ये एक बंदे ने यहाँ पर खेत ले रखा है, तो दो तीन बंदों ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके ये जमीन हड़प ली। हड़पने के बाद में बोला कि ठीक है अब हम ही करेंगे यहाँ पर खेती बाड़ी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, धीरे धीरे मनुष्य अगर इस तरह से लड़ना झगड़ना शुरू किया तो वहाँ से एक महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत हुई जो कि कहलाती है पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी, राजनीति वहाँ से प्रारंभ हुई। अब दोस्तों आपने देखा कि इतिहास के बाद में हमने क्या देखा, कला और संस्कृति इसी के अंदर आती है, ज्योग्राफी इसी में। अब राजनीति करेंगे किस पे, राजनीति कर रहे हैं इस भूमि पर कि भूमि पर किसका हक हो। तो भूमि पर हक स्थापित करने के लिए यानी ये लड़ाई किस चीज की है, ये जो अंतिम राउंड होगा दोस्तों वो किस चीज का हो जाएगा, वो होगा आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित। अब दोस्तों इकोनॉमिक्स यानी धन के लिए तो लड़ाई हो रही थी, उसके लिए उस लड़ाई को रोकने के लिए हमने सबसे पहले पॉलिटी को स्थापित किया यानी राज व्यवस्था बनाई। किस तरह की व्यवस्था होगी, किस प्रकार का कानून होगा, अगर ये खेत बहुत लंबे समय से एक बंदे के पास है तो ये समझा जाएगा कि ये उसकी भूमि है, उसकी पैतृक संपत्ति है, तो वो चीजें हैं दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों अब आप देखेंगे जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो उसके बाद में एक और लहर बनेगी, वो इंटरनेशनल रिलेशन यानी दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते ये सब इसी में आते हैं। इसलिए दोस्तों आप सब ने देखा कि ये जो कर्म मैंने बताया है आपको, इसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। अब दोस्तों इसी लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट को क्या है आराम से समझना चाहिए। और इस तरीके से समझना चाहिए कि हमें अगर जैसे मान लीजिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मौर्यकालीन स्तूप, तो मौर्यकालीन स्तूप जब हम पढ़ रहे हैं तो उस समय की राज व्यवस्था कैसी थी उसका हमें पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में ज्योग्राफी यानी मौर्यकालीन जो स्तूप है वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं और मौर्य जो प्रशासन था उसका क्षेत्र कौन सा, ऐसा क्षेत्र था जिस पर मौर्य का क्या था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य था स्थापित हुआ, या फिर उस भूमि पर क्या था इन मौर्यों का शासन था, तो वो देखेंगे। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी वो सब पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमें कोई भी टॉपिक है उसको सिंगल नहीं समझना चाहिए कि ये अलग पढ़ेंगे वो अलग पढ़ेंगे। हाँ एक इस समझने की प्रक्रिया से या फिर जो जटिलता है उसको सुलझाने के लिए हमने क्या किया, अपने सुख सुविधा के लिए हमने इतिहास को भी अलग अलग भागों में बांट दिया। हम प्राचीन भारत अलग पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे
मध्यकालीन भारत, उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत। अब इतिहास को अलग निकाल कर उसके बाद में जो टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का इतिहास के साथ हम पढ़ सकते हैं वो तो इतिहास में ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इतिहास में न पढ़ करके हम क्या करेंगे, एक स्वतंत्र विषय बनाकर, जैसे भारत की कला और संस्कृति है, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है पॉलिटिकल साइंस अलग बनाया, इकोनॉमिक्स हैं ये सब। अब दोस्तों इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सीरीज रहेगी इसमें सबसे पहले हम प्राचीन भारत की जो स्थापत्य कला है उसका परिचय लेंगे। परिचय लेने के बाद में दोस्तों आपको बता दिया मैंने जो मंदिर, गुफाएं और स्तूप बने हुए थे किस समय के, मौर्यकालीन के, उनके बारे में जानकारी लेंगे। मध्यकालीन भारत की जो स्थापत्य कला है उस समय किस प्रकार की कला का विकास हुआ था वो देखेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य कला को देखेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी दोस्तों क्या है, स्थापत्य कला की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है और लेनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे मूर्ति कला। तो मूर्ति कला में दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले कि भारतीय मूर्ति कला का विकास क्रम। अब दोस्तों विकास क्रम हमें जानना चाहिए, जरूरी क्यों है। जैसे मान लो कोई मूर्ति बनाई यहाँ पर, अब दोस्तों इस मूर्ति में क्या होगा, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता जाएगा उसमें क्या होगा, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे हम, परिवर्तन करते जाएंगे, और इसी परिवर्तन के क्रम को क्या कहते हैं हम, विकास क्रम कहते हैं। यानी उसमें हम कुछ ना कुछ नया विकास कर रहे हैं। आज हम विकास कर रहे हैं, आने वाले समय में, आज के बहुत समय बाद में, जैसे जैसे पीढ़ियां बदलती जाएगी उसमें और अधिक चेंज होगा। तो वो चीजें हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन मूर्तिकला, गुप्तकालीन मूर्तिकला, भारत की जो दक्षिण भारत की मूर्तिकला है वो देखेंगे, और उसके साथ ही हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मध्यकालीन मूर्तिकला। अब दोस्तों ये मूर्तिकला देख लिया, इनके बाद में हम जो आगे सीरीज में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चित्रकला के बारे में जानकारी लेंगे, इसके रूप और इसके कौन कौन से अंग है महत्वपूर्ण उनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके साथ ही दोस्तों हम भारतीय चित्रकला का विकास क्रम देखेंगे, क्योंकि विकास क्रम तो दोस्तों कोई एक दिन में विकास हुआ नहीं है, जब से मनुष्य बना है तब से विकास चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, उसको देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों मध्यकालीन चित्रकला और लोक चित्रकला, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा वीडियो सीरीज रहेगा अगला, उसी में हम पढ़ेंगे हस्तशिल्प, प्राचीन कालीन हस्तशिल्प ये देखेंगे दोस्तों। संगीत के अंदर दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया था कि जैसे मान लो किसी की संगीत में रुचि है तो उसको संगीत कला कहते हैं, यानी आप अपने विचारों को संगीत के माध्यम से बाहर प्रस्तुत कर रहे हैं तो संगीत कला कहलाएगी। नृत्य करके प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो कहलाएगी आपकी नृत्य कला। तो इस नृत्य कला में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय संगीत का काल क्रम। काल क्रम के बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय संगीत के रूप, यानी भारतीय संगीत के कितने रूप है वो पढ़ेंगे दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण है उनको। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो संगीत के रूप के बाद में हम आते हैं संगीत के कौन कौन से अंग होंगे। उसके बाद में दोस्तों शास्त्रीय संगीत के जो प्रमुख घराने थे उन घरानों के बारे में, और उन घरानों में कौन कौन से शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध थे वो देखेंगे, और लोक संगीत देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है नृत्य को हम कैसे भूल सकते हैं, नृत्य कला हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय नृत्य कला देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद में भारतीय नृत्यों के प्रकार देखेंगे। प्रकार के बाद में दोस्तों शास्त्रीय जो नृत्य होते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। अब लोक नृत्यों के बाद में क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम भारत के जो जनजातीय नृत्य होते हैं उनको भी हम यहाँ पर लेंगे, और इन जनजातियों के साथ में दोस्तों राज्यवार इनका विवरण देखेंगे, कौन सा नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो वो दोस्तों सब देखेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से जितना भी दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपको इतना विस्तार से यहाँ पर समझाया जाएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा,
जो टॉपिक हम समझ रहे हैं उस टॉपिक के साथ में आपको क्या करना है, न्याय करना है। न्याय करने के लिए आपको एक ही आपके पास में विकल्प है, वो ये है कि दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और नोट्स बनाएं। नोट्स बनाकर रिवीजन करें, तब एग्जाम में जाएं, तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर राज्यवार विवरण देखने के बाद में हम क्या देखेंगे दोस्तों, रंगमंच एवं सिनेमा देखेंगे। सिनेमा के अंदर दोस्तों हम प्राचीन कालीन जो नाटक है उन नाटकों को और नाटक कलाकार है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आधुनिक जो रंगमंच है उनको देखेंगे, आधुनिक रंगमंच के साथ में लोक रंगमंच, और लोक रंगमंच के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कठपुतली रंगमंच, इनके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो भाषा एवं साहित्य, इसके बारे में जानकारी लेंगे साथियों। भाषा और साहित्य के बाद में दोस्तों यहाँ पर जानकारी लेंगे भारत के प्रमुख भाषाएं, प्रमुख लिपियां, जो कि दोस्तों हमारे लिए क्या है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और मनुष्य दोस्तों जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ उसी प्रकार दोस्तों भाषाओं का भी विकास हुआ, भाषाओं के साथ लिपियों का विकास हुआ, और भाषा के लिए दोस्तों एक उस भाषा को व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित ही नहीं बल्कि सुव्यवस्थित करने के लिए हमने क्या बनाई दोस्तों, व्याकरण बनाई। तो वो दोस्तों आप सब जानते होंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे धर्म एवं दर्शन, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, और इस धर्म और दर्शन में हम क्या क्या कवर करेंगे वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदू धर्म को, उसके बाद में दोस्तों जैन एवं बौद्ध धर्म को देखेंगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इस्लाम धर्म को देखेंगे। इस्लाम धर्म के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो सिख ईसाई पारसी यहूदी धर्म आदि जितने भी धर्म है उन सब को देखेंगे। अन्य में क्या देखेंगे दोस्तों, अन्य या फिर दोस्तों विविध, इनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रमुख मेले, और उसके बाद में प्रमुख जो पर्व मनाए जाते हैं उनको देखेंगे, जनजाति पर्व जो होते हैं दोस्तों उनको भी हम देखेंगे, और उसके बाद में दोस्तों भारत के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है दोस्तों आपको विस्तार से इनके बारे में बताया जाएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं दोस्तों ये जो हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम भारत की कला और संस्कृति को पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे वो आपने अच्छे से इस एक छोटे से चार्ट के माध्यम से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो उसके बाद में दोस्तों अब जब वीडियो सीरीज हम प्रारंभ करेंगे तो इन्हीं में से एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और उस एक टॉपिक को क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे, और उस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पहले कैसे कैसे पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आता है तो दोस्तों एक लाइक कॉमेंट, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई आशा के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।